ये लाइव तस्वीरें आप तक हम दिखा रहे हैं, फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं, देखेगा कि ये देखिए लाइव तस्वीरें सर 60% वोटिंग है जो फर्जी हो चुकी है, हम वोट डाल के करेंगे क्योंकि रिजल्ट तो फाइनल हो चुका है, उनका रिजल्ट फाइनल हो चुका है। आप कहाँ थे उस टाइम तक? सर हम सुबह की चीज का विरोध कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने देखो एसपी साहब कितने बार एसपी साहब को फोन किए हुए हैं, देखो नहीं फोन तो किया, एसपी साहब भी आए, डीएसपी साहब भी आए, मैं खुद भी आया जी सर, मेरे पास सामने तो किसी ने नहीं आया, एक एक बूथ में जाकर आया मैं, किसी ने कोई कम्प्लेंट नहीं की है सर, बिना कम्प्लेंट नहीं की है। अट्ठाईस नंबर में हो रहा होगा, हंगामा जबरदस्ती है, हंगामा वोट किसी का गेट रखो या रोक का उसका फिर अपना जोरों की दिखा हुआ है वो विरोध अपना लोगों का, आप बताएंगे आपके एजेंडे हैं सर, आपके एजेंडे हैं वो बताएंगे, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, हम उसकी कार्रवाई करेंगे। सर क्या है मेरी जो मिसिज है वो पंचायत, मेरी जो मिसिज है वो पंचायत चुनाव लड़ रही है, आज सुबह से यहाँ पे वोटिंग के लिए हम आए थे, लेकिन सुबह से ही क्या हो रहा है कि फर्जी वोटिंग हो रही है, जब जो अब तक की वोटिंग हुई है उसमें कम से कम भी 60-70% है जो फर्जी वोटिंग होगी, जो हमने अंदर एजेंट लगाए हुए थे उन एजेंटों के साथ धक्का मुक्की हो रही है, उनको जबरदस्ती नीचे दबाया जा रहा है, जब हम इनकी शिकायत कर रहे हैं तो कोई भी प्रशासन का अधिकारी हमारी उसमें नहीं मतलब कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने मजबूरन अपनी वोटिंग अपनी पोलिंग बंद करके इस चुनाव का बहिष्कार किया है और यहाँ पे बैठ गए हैं, जब तक हमको इसका आश्वासन दोबारा वोटिंग का और दोबारा इलेक्शन का नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हाँ जी पुलिस टीम आई थी लेकिन वो सिर्फ एक राउंड लगा के चली गई, उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमको संतुष्ट किया ना हमसे कोई बात की, सिर्फ अपना एक राउंड लगा के नॉर्मल यहाँ से चली गई। स्थिति यहाँ पे काफी तनावपूर्ण है, दोनों तरफ जो देखो आप पब्लिक का काफी रोष है इसमें, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और इसमें क्या है कि मतलब जो फर्जी वोटिंग है वो 5 साल के भविष्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले झगड़ा हुआ सुबह 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 से इसमें ऐसे ही चल रहा है रूटीन में, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, कभी ज्यादा कभी हल्का, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुबीर है। ये क्या मामला था? मैं ये थोड़ी देर के लिए इन्होंने रोड जाम कर दिया था और पता लग गया कि भी ये कह रहे हैं कि भी फर्जी वोट डाल रहे हैं, फर्जी वोट के लिए मेरा ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, मैं खुद हूँ, मेरे एसपी हैं यहाँ पे, सब विजिट कर रहे हैं, एक एक सिंगल मैन ने भी ये नहीं कहा भी यहाँ कोई फर्जी वोट डाल रहा है, और एक पता नहीं ये किसने क्या अफवाह फैलाई है, हमने उनसे बातचीत की है। तो दूसरे पक्ष ने ये शिकायत भी दी है कि बूथ को कैप्चर किया जा रहा है, उनके पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल दिया गया। मेरे सारे ड्यूटी वाले यहाँ पे है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ जी, एक हर बूथ पे हमारे मुलाजिम हैं, कहीं पर भी कोई भी ऐसी घटना नहीं है जहां बूथ कैप्चरिंग हुई हो। तो जो लोग हम ड्यूटी कर रहे हैं क्या है उनका आरोप क्या है कि फर्जी वोट डल रहे हैं ये कहा है, लेकिन हमारे के एक भी सिंगल वोट का किसी ने फर्जी नहीं बताया, न कोई रोड़ा हो गया किसी भी प्रकार ना ही वोट। तो जो सड़क पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आपने और कलायत एसएचओ ने उनसे बातचीत की है, क्या आश्वासन दिया है? नहीं आश्वासन कुछ नहीं, मैंने कहा भी आप ये नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है, मैं एफआईआर दर्ज करूंगा और आप ये जाम लगाना कोई ठीक नहीं है, अब वोटिंग हो रही है ठीक ठाक हो रही है, पीसफुल हो रही है, देखा आप खुद देख सकते हैं सारी लाइन बनी हुई है, आराम से वोटिंग जोर चल रही है।